बल्लभगढ़ में आज मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। हरियाणा फेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला के विधायक नयनपाल रावत ने मेले का शुभारंभ किया। मेले में संबंधित 18 विभागों की तरफ से स्टॉल लगाकर 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले पात्र लोगों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुँचाने के लिए ये मेले लगाए जा रहे हैं। वहीं उपायुक्त ने कहा कि मेले में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पात्र लोगों को ऋण दिया जा रहा है। गरीब है वो और गरीब ना होता चला जाए, उसको भी आगे बढ़ाकर उसको विभिन्न प्रकार की योजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार की स्कीम दे करके उसको भी लाइमलाइट में लाया जाए, ऊपर की पंक्ति में लाया जाए ताकि इस देश और प्रदेश से गरीबी खत्म हो सके। बहुत तरह की योजनाएं, चाहे वो मत्स्य पालन की हैं, चाहे वो रोजगार विभाग की हैं, चाहे वो और हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे काफ़ी सब्सिडी, किसी पर 50% है, किसी पर 60% है, तो सब्सिडी के माध्यम से उनको 3 लाख का, 2 लाख का, 4 लाख का जो भी लोन है वो बगैर किसी इंटरेस्ट के दे करके केवल गरीब परिवार को आगे बढ़ाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारी सरकार कर रही है। रूरल टच से जो भी हमारे विभाग हैं वो सभी विभाग बैठे हैं, आज रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी यहाँ लोग आएगा, जैसे ऊपर से भी निर्देश है हमारे कि कोई भी आदमी वो इच्छुक है काम करने के, लोन लेने के, तो वो यहाँ से लोन लेके ही जाए ताकि स्वरोजगार या किसी भी हम डिपार्टमेंट में उसको कार्यरत कर सके। मेले में आई महिलाओं ने बताया कि मेले में उनका 1 लाख रुपए का ऋण मंजूर हुआ है, इससे वे स्वरोजगार अपनाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगी। इस ऋण में 10,000 रुपए का अनुदान भी शामिल है। लाभ ये मिला है कि मुझे कुछ पैसे की जो सरकार से मदद होती है वो मदद दी गई है, उस पैसे को लेकर मैं अपनी एक दुकान करूँगी, दुकान से मैं अपना कुछ बच्चों के लिए अपना गुजारा जो होता है वो, और मैं इस कंपनी